how are you? I'm fine. Where are you from? Canada. Canada? Canada. मेरे कान के पर्दे फूट, मतलब इन घंटियों को मैनेज नहीं किया गया है, इसको मैनेज करना चाहिए। चाहती कि मैं 2023 में कंप्लीट कर लूँ अपना सेकंड विजिट, लेकिन नहीं हो पाया। हेलो बोलो। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सुबह सुबह की शुरुआत करें हम चितई से, क्योंकि हम आए हैं आज चितई गोलू मंदिर। को पार्टनर्स हैं किरण दी एंड हर्षिता, क्योंकि हम गए थे सांची में, वहां से आते आते दर्शन कर लेते हैं। वैसे हमारा कितना मन था पहले से, हमने वार्डन से कितनी रिक्वेस्ट की चितई जाने की परमिशन दे, तो मैम ने नहीं दी, लेकिन हम फिर भी आ गए। क्या हुआ? बंदर लेके गया, क्या ले गया? जो भी लिया था तो मैंने तूतान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना तूतान। अभी पूरा एरिया खाली है, क्योंकि अभी भक्तजन आई नहीं है। हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं 9 बजे, तो आज हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारे दर्शन हो जाएंगे गोलू जी के। तो गाइस, हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं, भगवान जी से आशीर्वाद भी ले लिया है, विशेष भी मांग लिए हैं, लेकिन आज मैंने लेटर नहीं लिखा गॉड जी को, क्योंकि इतना टाइम हुआ नहीं। अब वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, अर्जियाँ अर्जियाँ वाली, ठीक है। एंड गाइस, हमने रक्षा तागा भी बांध लिया है, और यहाँ बंदरों ने सच में आतंक मचाया हुआ है। मैंने भी एक बंदर के पैर में मार दिया अपने हाथों से, भाग गया। अब हम तीनों साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं पंडित जी से। यहाँ पे आए हैं फॉरनर्स ऑल्सो, पता नहीं कहाँ से आए, भी पूछती हूँ। मैम, फाइन, वेयर आर यू फ्रॉम? कनाडा। कनाडा, या, थैंक यू। ओके, ही इज बाइटिंग यू, ही इज बाइटिंग। एंड गाइज, ये मेरा चितई में सेकेंड टाइम है जब मैं यहाँ आ रही हूँ। इससे पहले हम कब फोन लगाए थे यार, कृष्ण भंडारा खाने के लिए आए थे मोनिका मैं। ये सेकेंड टाइम है, मैं मतलब कब से इच्छा थी कि मैं 2023 में कंप्लीट कर लूँ अपना सेकेंड विजिट, लेकिन नहीं हो पाया। किसी कारण क्या, हॉस्टल की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं सेकेंड टाइम आ चुकी हूँ, और आपको मैं सबसे बड़ी घंटी दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे बड़ी घंटी पता नहीं कहाँ, कारखाना अल्मोड़ा बाजार की ओर से है, पता नहीं कहाँ से है। मतलब एक ये है और एक ये है सबसे बड़ी घंटी। ये क्या है, तेरा तुझको अर्पण, ये पता नहीं किसकी ओर से है, शहर फाटक की ओर से। शहर फाटक मतलब पता नहीं, जो भी है, मतलब यहाँ की सबसे बड़ी दो घंटियाँ हैं ये, मैंने इसे पहले भी देखी थी। और यहाँ देखो घंटियों का, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा जमावड़ा हुआ है, तो लग रहा है कि एक साथ इतना सब कुछ फेंक रखे हैं, ऐसे तो लग रहा है ना। मतलब इसको मैनेज किया नहीं, मतलब इन घंटियों को मैनेज नहीं किया गया है, इसको मैनेज करना चाहिए, चारों ओर से घंटियां लगानी चाहिए, इवन गेट से स्टार्ट कर देना चाहिए, रोड से घंटियां, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट, मतलब वेस्ट ऐसी फेंक रखी है, फिर यूज़ होनी चाहिए ना इनका भी कहीं ना कहीं। इतनी घंटियां तो यहाँ हैं, मतलब यहाँ पे कितना ज़्यादा मेटल है, आप सोच सकते हैं, सबसे ज़्यादा। बाकी यहाँ भंडारे में आने का फायदा होता है, क्योंकि आज तो कोई भंडारा भी नहीं है, आज तो हम किस्मत से आगे। यहाँ भी है, दो घंटियाँ और है, मतलब चार नई घंटियाँ हैं बड़ी बड़ी सी। ये देखिए, किसी विजय कुमार चिंदल ने दिया हुआ है, विकास चिंदल रामनगर। बापरे, जिंदल है, हाँ मैं चिंदल पढ़ी,
इसको बजाती हूँ कितनी बढ़िया आवाज आती है। ओहो बहुत बढ़िया आ रही है। इस वाले को बजाती हूँ पीयूष सिंह बगड़वाल हिमा रावत। मेरे कान के पर्दे फूट गए इतने जोर से बजाया मैंने। और किरण दी और हंसता एक कुत्ते को खाना दे रहे हैं। पैट लवर्स बट आई एम नॉट। अब अभी यहाँ इतना रिलीफ मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के ना धूप ही सेकते रहे हैं बस। आई थिंक इसमें अरेंज करनी चाहिए वो जो घंटियाँ यहाँ पे डंप करके रखी हैं, इस पर अरेंज होनी चाहिए। वैसे बाउंड्री में भी लगा रखी हैं लेकिन ये मतलब ना ऐसे सेफ नहीं है, मतलब ये पानी के कॉन्टेक्ट में भी आते हैं, हवा के कॉन्टेक्ट में भी आते हैं, इस वजह से ये काली पड़ चुकी हैं। जो अंदर हैं उन ऊपर से पानी नहीं आता होगा ना तो थोड़ा बहुत चमक रही है। बाकी घंटियाँ तो बाद में ख़राब ही हो जाती हैं, कलर फेड हो जाता है। तो को भोजन कराया जा रहा है, धूप सेकने में मजा आ रही है ना। यहाँ पे क्या खिला रहे हो घुकते? एक्चुअली किरण दी बाहर का खाना नहीं खाती, आपको पता ही होगा हमारी अंबानी दीदी तो घर से घुकते ही लेके आई है। केला दे दो। कहाँ भाग गया यार, आ जा घुकता खाएगा। ले ये है कुत्ता तेरे को नहीं, भाग तुझे नहीं बंदर के ले आओ, हट आ जा मेरी बहनी घुकते खा ले, बहनी आ जा घुकते खा ले। लोग कौवा को बुलाते हैं, मैं बंदर को बुला रही हूँ घुकते खा ले करके। ऐसे यार ये आ जा रहे हैं ना उसकी वजह से बंदर नहीं आ रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हो यहाँ पे। आ जा आ जा, हेलो बोलना। हाँ फिर यहाँ पे हेलो बोलना, हेलो बोलो, हेलो। कहाँ जा रहा है, इधर आ। कुछ भी कुछ भी नहीं, यहाँ पे रख दिया। अब नहीं आई नहीं बंदर क्या, आ जल्दी आना। गुड सबास। अरे तेरी लेनी है यार, दूं क्या? आ जा जल्दी दो, घुकते मुझे दो, यहाँ दो यहाँ। अब बंदर को दे दी, ले यहाँ पे इसको भी ले जा। हेलो बोलो, काटता नहीं होता ना फिर, कहाँ जा रहे हो? बंदर को और खिला के आती हूँ ये पूरी, मैं तो बच्चे को दूंगी। ले लेके चला गया तैता सुर, अब मुझे भी दे। गाइस अब हम थोड़ा सा बोर हो चुके हैं, धूप से सिकाई चल रही है यहाँ पे। कैसा लगा आपको शादी, कैसी लगी ये बताओ शादी का, क्या बताएं गाइस आपको शादी का? एक्सप्लेन नहीं कर सकते शादी का, मैं आपको आप देख जितना रात भर उठे हैं यहाँ पे भी नींद आ रही है, क्या करें ऐसी हालत हो चुकी है, क्या बताएं। नींद आ रही है, मैंने तो दवाई लेकिन हाँ एक चीज अच्छा हुआ चीता के दर्शन हो गए सुबह, लिखा होगा ना यहाँ ना। हम कब से वार्डन का सर माथा पच्ची कर रहे थे, आउटिंग खुलाओ चिताई के लिए, चिताई के लिए भगवान ने फिर भी हमें बुला दिया क्योंकि हम तो सानी के लिए जा रहे थे लेकिन हम गलती से चिताई आ गई, गलती से हाँ गलती से आई भी इत्तेफाक से। तो गाइस अब हम जाते हैं अल्मोड़ा की ओर, दर्शन वर्शन कर लिए, धूप भी अब हमें भूख भी लग चुकी है तो खाना खाते हैं, देखते हैं यहाँ पे खाना कहाँ कहाँ बनता है, आइडिया नहीं है। एक यहाँ पे है पकौड़े हैं यहाँ तो बस। गाइस हम यहाँ चलते हैं खाने के लिए, जैसे प्रसादी मिली हुई थी तो इसको बांट लेते हैं, मैं तो खाने वाला ही रखती हूँ। आ चुका है हमारा पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा दी टाटा। गाइस मैं आ चुकी हूँ प्रियंका के रूम पे, जहाँ पे प्रियंका बना रही है गाजर का हलवा, और मैं सोई नहीं हूँ ना कल रात भर इसलिए सो जाती हूँ। तो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, दो कितने घंटे सोई होंगी मैं, दो घंटे सोई, अब शाम भी हो चुकी है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अभी मेरे को सुनने में आ रहा है मुंशियारी में बर्फ पड़ चुकी है। मेरी किस्मत इतनी गंदी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सच में। मतलब बर्फ के लिए मैं गई, मुझे लगा इस बार मैं बर्फ देख लूंगी क्योंकि मुझे स्नो में जाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा था इस बार मैं चली जाऊंगी एनी हाउ क्योंकि सानी तक जा चुकी, फिर उसके बाद मुंशियारी में चले ही जाएंगे ऐसा सोचा था। मेरे चक्कर में बाकी लोग का भी पोपट हो गया क्योंकि मोहिता भंडारी भी आने वाले थे, वो लोग मुझे कॉल कर करके गाली दे रहे हैं कि तेरी वजह से हमने आस लगाई थी, लेकिन ऐसे ही हो गया था। भैया ने भी मना कर दिया था ना मुंशियारी जाने से, तो ये भी था। और क्या बोलते हैं मतलब किरण दी का भी नहीं हो पा रहा था, फिर मुंशियारी वो कहती बहुत ठंड लगती है क्योंकि उनको ठंड वो होती नहीं है ना, सूट नहीं होती है, सूज जाती हूँ उनको, हाथ पैरों में सूजन आ जाता है, तो इस वजह से भी फिर उन्होंने मना कर दिया था। अब किरण दी मना करी थी तो हम जबरदस्ती कैसे जाते ना, क्योंकि हम उन्हीं के साथ गए थे शादी में, इस वजह से। तो मैं प्रियंका के रूम पे आ चुकी हूँ, अब क्या करें, अब मुझे अल्मोड़ा की पारिस इंजॉय करनी पड़ेगी जैसी तैसी। अभी अब तो सो गई हूँ, अब रूम पे रह रहे हैं तो शाम को जाएंगे मार्केट अल्मोड़ा का नाइट व्यू देखने।
प्रियंका जो गाजर का हलवा बना रही थी वो कब बना दिया था, तो 3 घंटे पहले बना दिया था। अब हम उसको खाने जा रहे हैं क्योंकि प्रियंका का कहना है कि ठंडा वाला गाजर का हलवा टेस्टी होता है। मुझे तो गर्म पसंद है, मैंने तो गर्म करने को बोल दिया, वो अपने आप खाएगी ठंडा। तो अब प्रियंका और मैं खाते हैं गाजर का टेस्टी टेस्टी हलवा। प्रियंका तूने बनाया था, दीदी ने बनाया, दीदी ने बनाया या प्रियंका ने? अभी प्रियंका की दीदी गई है ट्यूशन पढ़ाने, तो हम भी चले जाएंगे मार्केट को। ये रहा गाइस गाजर का हलवा, टेस्टी लग रहा है, ये तो ठंडा खा रही है। कैसा रहा प्रियंका? चीनी ठीक है? एंड गाइस अभी शाम हो चुकी है और अभी प्रियंका और मैं मार्केट नहीं गए, हम बारिश हो गई थी, फिर मैं सो ही रह गया, आज मैं दिन भर सोई हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं मैं और मेरी टीम। मेरी टीम में सिर्फ एक ही मेंबर है प्रियंका क्योंकि कल हम अंकित डांसर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू लेने वाले, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करना, वैसे इसका जवाब तो फिर बाद में मिल पाएगा आपको, बट फिर भी अभी छानना है खोजना है क्योंकि कल दिन में अंकित डांसर आ जाएंगे यहाँ पे, फिर उसका परसों को शूट पे जाना है, तो मैं भी जा रही हूँ उनके डांसर पे, प्रियंका भी, मेरी टीम भी जाएगी। आप कुछ अंकित डांसर से सवाल करना चाहती हैं? वैसे पता नहीं मुझे ज्यादा, फिर भी ग्रावी सरारा के कोरियोग्राफर कौन है वो तो पता ही है। कौन है अंकित डांसर? हाँ।